Audio Jungle. So hey, what's up everyone? Welcome back to another brand new video, guys. आज के वीडियो में मैं आपको टेक्स्ट में इनर ग्लो ऐड करना सिखाने वाला हूँ लाइक दिस. सो अगर आपको भी सीखना है कि टेक्स्ट में इनर ग्लो कैसे ऐड करते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कर देना. वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना. चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाला बेल आइकन ऑल पे सेट कर देना ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके. और अगर आप मुझसे लोगो, बैनर या कुछ भी बनाना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. मैं आपको आपका काम करके दे दूंगा लेकिन मैं उसके कुछ चार्ज लूंगा. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो गाइस सबसे पहले पीएससीसी में आपको कोई भी कैनवस क्रिएट कर लेना है तो मैं 1500 बाय 1500 का कैनवस क्रिएट कर लेता हूँ क्योंकि मैं आपको ट्यूटोरियल दे रहा हूँ. देन इसके बाद मैं बैकग्राउंड को थोड़ा डार्क कर लेता हूँ ताकि विजिबल हो सके. सो मैं इसे ग्रे कलर में फिल कर देता हूँ. देन इसके बाद आपको आपका टेक्स्ट ऐड कर लेना है तो मैंने टेक्स्ट बना के रखा है ये यूर नेम वाला, तो मैं इसे ऐड कर लेता हूँ. देन इसके बाद अभी क्या करना है, इसके सिलेक्ट पिक्सल कर लेना है. पहले तो इसे ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ. देन इसे टिक कर देना है. देन इसके बाद इसके सिलेक्ट पिक्सल कर लेना है, एक एम्प्टी लेयर क्रिएट कर लेनी है. एंड पे जाना है, फिल एंड स्ट्रोक में जाना है और आपको इसे कोई भी कलर में फिल कर देना है. सो मैं अभी यहाँ पे ऑरेंज कलर में फिल कर देता हूँ लाइक दिस, इस तरीके का. देन इसके बाद इसे टिक कर देना है और वाइट वाली जो लेयर है हमें इसे कर देना है डिलीट. देन इसके बाद क्या करना है, आपको इसके सिलेक्ट पिक्सल कर लेना है और सॉरी सिलेक्ट पिक्सल नहीं करने है, एम्प्टी लेयर क्रिएट कर लेना है. एंड पे चले जाना है और फिल एंड स्ट्रोक में जाना है. देन इसको वाइट कलर से फिल कर देना है. ओके, देन टेक्स्ट के सिलेक्ट पिक्सल कर लेना है. देन इसके बाद वाइट वाली लेयर पे आ जाना है और इसे कर देना है क्लियर, इस तरह का आपको मिलेगा. देन इसके बाद आपको यहाँ पे ग्लो पे चले जाना है, इफेक्ट्स में जाके. देन इसको यहाँ पे येलो कलर में फिल कर देना है, ग्लो दे देना है मतलब. ओके, सो आपको कलर कॉम्बिनेशन बराबर पता रहना चाहिए उसके लिए. सो मैं इसे येलो कलर में सेट कर देता हूँ. देन इसके बाद ब्लर को 50 और इंटेंसिटी को 70 के आसपास, यस 70 कर देता हूँ. देन इसके बाद आपको टेक्स्ट वाले लेयर के सिलेक्ट पिक्सल कर लेने हैं. देन इसके बाद आपको वाइट वाले लेयर पे आ जाना है और इसे कर देना है एक्सट्रैक्ट. देन इसके बाद आप देख सकते हो किस तरह का ग्लो आ चुका है. अगर इसमें बहुत ज़बरदस्त लगता है, ये देख सकते हो यार, पूरा मतलब उठ के लगता है ये. आपको कलर कॉम्बिनेशन याद रहना चाहिए. देन इसके बाद मैं इसे क्या करूँगा, इसे कर दूँगा लीनियर डॉज, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया है तो मैं इसकी ओपेसिटी मिनिमम 50 कर देता हूँ. सो ये परफेक्ट है. देन इसे मर्ज डाउन कर लेना है. ओके, अभी मैं आपको और एक कलर पे ऐड करके दिखा देता हूँ. तो पहले मैं इसके डुप्लीकेट लेयर कर लेता हूँ, सिलेक्ट पिक्सल कर लेता हूँ. देन एम्प्टी लेयर क्रिएट कर लेना है. देन इसके बाद एंड पे चले जाना है और इसे कर देना है कोई भी कलर में फिल. ओके, तो मैं यहाँ पे रेड कलर फिल कर देता हूँ और रेड को थोड़ा डार्क कर देता हूँ बिकॉज यार बहुत ज़्यादा लाइट लग रहा है मुझे. सो इस तरह से फिल कर देना है. देन इसके बाद आपको क्या करना है, वो वाली लेयर डिलीट कर देना है, पिछली वाली. देन इसके बाद मैं येलो लेयर को हाइड कर देता हूँ. देन इसके बाद आपको एम्प्टी लेयर क्रिएट कर लेना है, वाइट कलर में फिल कर देना है और रेड वाली जो टेक्स्ट है हमारा उसके सिलेक्ट पिक्सल कर लेने हैं और वाइट वाले लेयर पे आके कर देना है क्लियर. यही प्रोसेस आपको सभी टेक्स्ट पे करते रहनी है. इसके बाद यहाँ पे इफेक्ट्स में जाना है, ग्लो में जाना है और अभी हम इसे रेड कलर में ग्लो देख देंगे. सो रेड कलर तो मतलब दिखेगा ही नहीं उतना, बट आपको पता चल जाएगा जैसे ही आप इसे एक्सट्रैक्ट करोगे आपको मतलब दिखने के लिए मिल जाएगा इफेक्ट कैसा आया है. सो देख सकते हो उतना कुछ मतलब उठ के नहीं दिख रहा है क्योंकि रेड कलर रेड अलग ही है मतलब कलर. सो इसके बाद अभी मैं इसे ये परफेक्ट लग रहा है, टिक कर देना है. देन इसके बाद टेक्स्ट के सिलेक्ट पिक्सल कर लेना है, वाइट वाली लेयर पे आ जाना है और इसे कर देना है एक्सट्रैक्ट. तो देख सकते हो इसे, अरे हुए ही नहीं, सिलेक्ट पिक्सल कर लेना टेक्स्ट के, वाइट वाली लेयर पे आ जाना है, इसे कर देना है एक्सट्रैक्ट. तो देख सकते हो अभी मैं आपको दिखाता हूँ. तो देखो यार मतलब ग्लो आया है बट वहाँ पे दिख नहीं रहा था लेकिन ग्लो आया है. तो इसे भी मर्ज डाउन कर लेता हूँ. अभी आपको और एक टेक्स्ट बना के दिखाता हूँ. सो पहले लेयर के टेक्स्ट के सिलेक्ट पिक्सल कर लेता हूँ, एम्प्टी लेयर पे आ जाता हूँ. देन इसके बाद यहाँ पे कर देता हूँ, फिल कर देता हूँ. अभी मैं आपको सिल्वर कलर पे ग्लो ऐड करना सिखाऊंगा. सो मैं ये कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ सिल्वर. देन इसके बाद क्या करना है, एक एम्प्टी लेयर क्रिएट कर लेनी है. तो पहले तो इन्हें जो पिछले वाले टेक्स्ट है उन्हें मैं हाइड कर देता हूँ. देन इसके बाद एम्प्टी लेयर पे फिल कर देना है वाइट कलर में. देन इसके बाद टिक कर देना है. देन इसके बाद टेक्स्ट के सिलेक्ट पिक्सल कर लेने हैं और वाइट वाले लेयर पे आ जाना है और इसे कर देना है क्लियर. देन इसके बाद एफएक्स वाले सेक्शन पे चले जाना है, ग्लो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है. अभी आपको दे देना है वाइट कलर में ग्लो क्योंकि सिल्वर पे सिर्फ वाइट कलर ही अच्छा लगता है. तो ये परफेक्ट लग रहा है मुझे, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा. सो 50 कर देता है ब्लर.
ओके देन इसके बाद सिल्वर वाले लेयर के सिलेक्ट पिक्सल कर देना है, व्हाइट वाले लेयर पे आ जाना है और इसे कर देना है एक्सट्रैक्ट। तो देख सकते हो और कितना चमक रहा है हमारा टेक्स्ट। इसी तरीके से आप अपने टेक्स्ट को क्रिएट कर सकते हो, इनर ग्लो भी ऐड कर सकते हो। यार इनर ग्लो ऐड करोगे तो बहुत ज़बरदस्त लगता है आपका टेक्स्ट, इसलिए मैं तो जब भी थंबनेल बनाता हूँ उसमें इनर ग्लो ऐड करता हूँ। आपने अगर मेरे ट्यूटोरियल देखे होंगे तो आपको पता होगा। सो इसी तरीके से आप और भी टेक्स्ट बना सकते हो, प्रैक्टिस करो पहले। और कलर कॉम्बिनेशन आपको बराबर आने चाहिए, अगर आप कलर कॉम्बिनेशन सीख गए तो बहुत बढ़िया। लेकिन अभी मैं ब्लैक बैकग्राउंड को बैकग्राउंड को ब्लैक कर लेता हूँ। ओके तो देख सकते हो कितना ज़बरदस्त लग रहा है हमारा ये टेक्स्ट। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बाजू वाला बेल आइकन ऑल पे भी सेट कर देना ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और मेक श्योर कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, क्योंकि यार मैं वहाँ पे अपडेट्स देते रहता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर।